अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं शुरू और अभी चलते हैं कहीं बाहर, क्योंकि घर में हो रही है बहुत गर्मी। अब सो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है घर के अंदर, ठीक है। एसी चल के भी ना, एसी कितना कुछ ला देंगे। तो चलते हैं फिर बाहर, चलते हैं बाहर चल के कहीं हवा लेते हैं थोड़ी सी, अगर हो तो। तो अभी रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है। मौसम मैंने कहा था घर गर्म है, तो बाहर चलते हैं, घर में हबस हो रहा है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। बाहर और ज्यादा हबस हो रहा है घर में, फिर थोड़ी एसी की ठंडक है। बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ज्यादा गर्मी है। 3 weeks later. काफ़ी फल लगे हुए हैं इधर। मामा कहते हैं थोड़ा सा फल ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। तो अभी जैसे फल लेते हैं, ठीक है, अभी आम ले लिए हैं, अंगूर लेते हैं, थोड़े सेब के ले लेते हैं, फिर घर चलते हैं। अच्छा, मामा ने अंगूर भी ले लिए हैं, आम हो गए, अंगूर हो गए, अब देखते हैं और क्या लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। तो अभी मैंने देखा है किस जगह का नाम क्या है। मैं कह रहा हूँ इधर इतनी फल की रेड़ियाँ, इतने कितना क्यों फल लगा हुआ है। मैंने ऊपर नाम देखा था, ये फल सब्जी फल मंडी है जो अंदर इस वक्त बंद है और बाहर इस वक्त फल लगा हुआ है। A few inches later. मैंने सेब भी ले लिए हैं, जैसे अब रह गए केले। केले देखते हैं कौन से अच्छे मिलते हैं। ये मामा ने अब केले भी ले लिए। पाकिस्तान में ना, बाहर के मुल्कों में अंधेरा होता है, खत्म सब कुछ। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। पाकिस्तान में रात 11 बजे की हालत है, ये 11 बजे ये ट्रैफिक है इस वक्त इतनी। और ये रातों तक, फजर तक ऐसे ही रहता है निज़ाम। 5 minutes late. मामा ने मेरा बैलेंस खराब कर दिया बाइक का सारा। अब जैसे इधर आ गया ऐसे सेब केला, इधर आ गया आम और अंगूर, ठीक है, अब लेवल हो गया। अब चलाने में थोड़ा बैलेंस रहेगा, लेकिन मोटरसाइकिल पे जब कुछ टांग दो कभी यूँ डोलती कभी यूँ डोलती है। अब चलते हैं घर, अब घर चलते हैं, घर चलते हैं, गर्मी लग रही है बाहर मुझे बहुत। 20 minutes later. मामा फल की मंडी से सब्जी मंडी तक आ गई हैं। हम यूटर्न ले रहे थे, यूटर्न मोर पे ही सब्जी की मंडी थी, मामा कहती सब्जी भी ले लेते हैं। अब मामा सब्जी लेने गई हैं, मैं इधर खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि मामा आएं जल्दी से। An hour later. शोर बहुत है यहाँ पे बाइक्स का, गाड़ियों का। मामा अभी भी नहीं आई, अभी भी 10 मिनट से ऊपर हो चुका है, 12-13 मिनट 15 मिनट हो चुके हैं, मामा अभी तक भी नहीं। इतने बड़े बड़े, मैं कहता हूँ पूरा किन्नू माल्टा, पूरा किन्नू लग रहा था। और ये नींबू है ये इतना बड़ा, मैं देख के हैरान, पहली दफ़ा देखा मैंने इतना बड़ा किन्नू। किन्नू कह रहा हूँ नींबू। हो ये अब मामा ने फिर नींबू ले लिया। मामा कहती लेके चेक तो करें है भी, मामा कह रही है नकली होंगे, लेकिन मैंने कहा असली है, लेके चेक कर लेते हैं। मामा ने ले लिए, अब घर चल के चेक करते हैं कैसे निकले। लिखा हुआ तो है कि देसी नींबू, ठीक है, लेकिन देखते हैं चल के। इतना बड़ा नींबू वैसे मैंने आज तक देखा नहीं, बहुत साइज़ देखा है मैंने, वो मीडियम साइज़ है, छोटा वो देखा, ये साइज़ मैंने नहीं देखा कभी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो वापस घर आ गए और आके भी मुँह वगैरह धोया, मिट्टी मिट्टी हो गया था। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब। और अभी नींबू चेक करते हैं कि कैसा था नींबू, ठीक है, क्या नाम है नींबू देखे, ठीक है। मैं तो परेशान हो गया था कि नींबू, मैं मुझे लग रहा था नकली है, नकली मम्मा कह रही है लेमन कह दो नींबू, अच्छा नींबू अच्छा लगता है, लेमन नहीं। तो नींबू था, और नींबू कहेंगे देसी हैं हम पंजाबी लोग हैं, तो
नींबू अभी चेक करते हैं, अभी बहन ने कहा कि मैं धो के लाती हूँ, धो के लाएगी छुरी के साथ, फिर उसका ग्लास में रस निकाल के देखते हैं कि क्या वाकई असल है, वरना कुछ हवास भी फुलाए होते हैं, नकली होते हैं। वैसे तो इतने इतने मीडियम होते हैं, वो इतना बड़ा है मुझे पूरा लग रहा था जैसे कोई किन्नू है या माल्ट है पीले रंग का। तो अभी बहन लेके आती है पेड़ का, तो बहन ने कहा कि अभी नींबू नहीं, ठीक है अभी नींबू के लिए बाद में स्पंजी बनाएंगे, पहले फ्रूट चाट बनाते हैं। ठीक है फ्रूट चाट के लिए है सेब है, आम है, ठीक है आगे केले पड़े हैं और साथ में अंगूर हैं, ठीक है और साथ में क्रीम है और साथ चीनियाँ भी डलेगी, तो सारी चाट बन जाएगी। फिर चाट खाते हैं, ठीक है फिर अपना एक शो देखते हैं, ठीक है ठीक है, जिसका नाम है तमाशा, ARY डिजिटल पे लगता है, ठीक है वो रोज़ हम नेट पे देखते हैं रात को, टीवी पे देखने का इतना मज़ा नहीं आता इसलिए नेट पे देखते हैं। तो फ्रूट चाट खाते खाते वो देखेंगे और फिर रात में नहीं, फिर सुबह सुबह उठ के जब जब उठेंगे तो नाश्ते में स्पंजी का एक ग्लास पियेंगे बना के, फिर दिखाऊंगा कि नींबू कैसा है, तब तक व्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। Thousands of tears. तो यार आज के व्लॉग को इधर ही एंड कर देते हैं क्योंकि अभी स्पंजी नहीं बन सकती, ठीक है मैंने कहा आज का व्लॉग रात को ही एंड कर देते हैं, कल नया व्लॉग सुबह से स्टार्ट करेंगे और फिर स्पंजी बनाएंगे, फिर नींबू का रस दिखाऊंगा कि नींबू कैसे अच्छे निकले कि नहीं, आप ले सकते हैं बड़े नींबू के नहीं। तो खैर आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और शेयर करें। अल्लाह।